आप लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि ये 9 वोल्ट वाला चार्जर है और अगर मैं इसको किसी ऐसे फ़ोन में लगाऊंगा जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं है, यानी कि वो 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, तो क्या ये हमारे फ़ोन को ख़राब कर देगा? तो आइए इस चीज़ को हम जानते हैं डिटेल के अंदर, और अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कॉपी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमारे फ़ोन को ख़राब क्यों नहीं करता। पहले तो इसका मैं आंसर दे दूँ कि ये कभी भी हमारे फ़ोन को नहीं ख़राब करेगा, क्योंकि इसके अंदर SMPS ट्रांसफॉर्मर होता है। ये जो काम करता है हमारा चार्जर, ये SMPS टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इस टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि हमारे लोड से कनेक्ट होते ही इसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। मतलब अगर ये 65 kHz पर काम कर रहा है हमारे लोड के हिसाब से, तो अगर मैं लोड बढ़ाऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट सकती है और बढ़ भी सकती है, जैसे भी टोपोलॉजी में हमने यूज़ करा है। अगर ये SMPS ट्रांसफॉर्मर ना हो के हम सिंपल ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, ये चार्जर फिर बहुत ज़्यादा बल्की बनता और फिर ये ख़राब कर सकता था हमारे मोबाइल को। बट अभी सारे मोबाइल चार्जर्स के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें SMPS ट्रांसफॉर्मर यूज़ होते हैं। और SMPS ट्रांसफॉर्मर का क्या रोल होता है कि इसके अंदर जो सप्लाई जाती है, इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जाती है, हम AC नहीं बोल सकते इसको, बस वो ऑल्टरनेट करती है, वो फिक्स नहीं होती DC की तरह। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है लोड के हिसाब से। सपोज़ करते हैं कि इसमें 5 वोल्ट वाला फ़ोन लगाया, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी हिसाब से सेट करेगा कि ये आउटपुट 5 वोल्ट वाला ही दे सके, क्योंकि इसको सेंसिंग मिल जाती है लोड के थ्रू कि कितना लोड मेरे पे कनेक्ट हुआ है। और सपोज़ करते हैं हम 9 वोल्ट वाला हमने इसमें चार्जर लगाया, मतलब इस फ़ोन में 9 वोल्ट सपोर्टेड है, मतलब ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो क्या होगा, ये SMPS ट्रांसफॉर्मर अपनी फ्रीक्वेंसी को इसी हिसाब से सेट करेगा कि ये इसको 9 वोल्ट सप्लाई कर सके। तो ये अपनी जो वेरिएशन करता है ये लोड के हिसाब से करता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर लेता है। बट अगर यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता तो हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता, पर इस केस में कभी भी फ़ोन नहीं ख़राब होगा। फिर भी आप कोशिश करिए जो चार्जर फ़ोन के साथ आता है उसी को यूज़ करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी फ़ोन की बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और अगर हम ऐसे ही कोई भी चार्जर यूज़ करते हैं तो फ़ोन की बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।